हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। रसलमेनिया 34 काफी नजदीक है और अभी भी इस इवेंट के लिए दो सबसे बड़े सवाल बाकी हैं। पहला ये कि जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर के बीच मैच होगा भी या नहीं। दूसरा ये कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का पार्टनर कौन होगा रसलमेनिया 34 के लिए, जो कि अब तक रिवील्ड नहीं हुआ है। तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करता हूं अंडरटेकर की, तो अभी तक कुछ साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अंडरटेकर और जॉन सीना का ये मैच नहीं होने वाला, और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि रसलमेनिया 34 में फाइट के लिए अंडरटेकर कुछ महीने पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसकी कुछ फोटो भी लीक हुई थी। अब क्या सच है क्या नहीं, अब ये जल्द ही साफ हो जाएगा रसलमेनिया 34 में। बट अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। WWE के सभी बड़े स्टार न्यू ऑरलियंस पहुंच चुके हैं। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंटरव्यू कैथी केली ने लिया, जिसमें उन्होंने उनके पार्टनर के बारे में पूछा, जिस पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पार्टनर कौन होगा। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना पार्टनर किसे चुनूं। WWE ने मुझे एक अजीब सी मुश्किल में डाल दिया है। मैं अकेला अच्छा काम करता हूं और मैं किसी और के साथ मिलकर अच्छा काम नहीं कर पाता। मैं ये मौका शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरा रसलमेनिया का पल था। मतलब साफ है कि WWE अभी इस पे कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये भी साफ रसलमेनिया 34 वाले दिन ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री के बाद ही होगा, जब उनके पार्टनर सरप्राइज एंट्री लेंगे। बट आपको बता दूं, बताया ये भी जा रहा है कि इंजरी से रिकवर होने के बाद कोई स्टार वापसी करेगा और वही ब्रॉन स्ट्रोमैन का पार्टनर हो सकता है। अब इसमें चार नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन के पार्टनर के रूप में जो चार नाम सामने आ रहे हैं वो हैं ब्रे वायट, अलाया सैमसन, बिग शो और समोआ जो, जिसमें समोआ जो और बिग शो इंजरी के बाद ही वापसी करेंगे और इन्हें क्लियर भी कर दिया गया है रेसलिंग के लिए। बट ये साफ नहीं हुआ है कि ये वापसी रसलमेनिया 34 में करेंगे या रसलमेनिया 34 के बाद करेंगे। अब आते हैं अलाया सैमसन पर। अलाया सैमसन और ब्रॉन स्ट्रोमैन की फ्यूड भी अभी अच्छी खासी चली थी, और जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टैग टीम टाइटल के लिए स्पॉट जीता था तो सबसे ज़्यादा जिस नाम के र्यूमर्स थे वो अलाया सैमसन ही थे, और ये अभी बुक नहीं है रसलमेनिया 34 के लिए। अब आते हैं ब्रे वायट पर, तो ये भी बुक नहीं है रसलमेनिया 34 के लिए, और काफ़ी टाइम से ब्रे वायट को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है WWE में। अभी हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इंस्टाग्राम पे ब्रे वायट के साथ एक फ़ोटो भी पोस्ट करी थी और ये दोनों न्यू ऑरलियंस में ही थे। तो ये चार बड़े नाम जो हो सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के पार्टनर, वैसे आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे अच्छा पार्टनर ब्रॉन स्ट्रोमैन का कौन साबित हो सकता है? वैसे WWE अभी इस पे अपने पत्ते नहीं खोल रही है ताकि फैंस के दिमाग में भी इंटरेस्ट बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।